कराची नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन मोहम्मद एहसान मुगल और जनरल सेक्रेटरी तारिक महमूद की कराची आमद। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिंध बॉडी के अराकीन की हलफ बरदारी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में सहाफी भाइयों ने शिरकत की। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन मोहम्मद एहसान मुगल ने अराकीन से हलफ लिया। सिंध की सदारत के लिए शेख कमाल और दीगर अराकीन हमजा नादिर, इरफान आसिफ, अरसलान महमूद, मोहम्मद रेहान सिकंदर और हमजा ने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की गोरिंग बॉडी के अराकीन की हैसियत से हलफ उठाया। आरएनएन न्यूज़ के चेयरमैन और रोजनामा मेरा मुल्क एडिटर के रियाज आरिफ ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम जी, रोजनामा आरएनएन न्यूज़ के माशाल्लाह हमारे मेंबर हैं रियाज आरिफ साहब, इन्होंने आज कीमती वक्त दिया हमें, ये तकरीब में शिरकत की इन्होंने और इनको तकरीब में हम वेलकम भी करते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और माशाल्लाह ये हमारे मेंबर हैं और मुतहरक मेंबर हैं और इनके चैनल को भी सपोर्ट करें और हमारी भी सपोर्ट इनके चैनल के साथ है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी कवरेज करते हैं ये और इनकी तकरीब में आने पर फिर इनका एक बार शुक्रिया भी अदा करते हैं और मोस्ट इनको वेलकम भी करते हैं। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं इस तकरीब में आरएनएन न्यूज़ और जनाब मलिक साहब का जो है बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। ये हमारी जो है तंजीम के एक जो है मुतहरिक जो है मेंबर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और इनका चैनल जो है माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह इनको जो है और ज़्यादा तरक्की दे और इसी तरह जो है ये दूसरों की जो है हौसला अफजाई करते रहें, उनके मसाइल को जो है उजागर करते रहें। मैं एक दफ़ा फिर जो है आरएनएन न्यूज़ और मलिक साहब का बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूं। आप दोनों साहिबान जो हैं वो अजरक का तोहफा पेश करना चाह रहे हैं तो मैं मुल्तमिस हूँ आप दोनों साहिबान से, बमा यूसुफ अजीज़ुल्लाह साहब से और वकास यूसुफ अजीमी साहब से। आप तमाम हजरात यहाँ तशरीफ लाएंगे और आप तमाम हजरात के बदस्ते मुबारक हमारे चेयरमैन जनाब एहसान मुगल साहब आपसे इल्तमास करूंगा कि सामने की जानिब तशरीफ लाएं। आपको और जनाब तारिक अहमद साहब आप दोनों के लिए अजरक का तोहफा लेकर आएँ तो आप दोनों ये तोहफा पेश करेंगे और साथ साथ वकार यूसुफ अजीमी साहब, अजीज़ुल्लाह अजीमी साहब आप रूहानी डाइजेस्ट भी लेकर आए हैं तोहफे के तौर पर, तो वो भी पेश करना चाहेंगे तो वो तमाम लोग स्टेज की जानिब तशरीफ ले आएँ ताकि एहसान उल्लाह साहब भी और जनाब तारिक साहब भी दोनों मौजूद हैं उन्हें पेश किया जा सके। अख्ताम हुआ चाहता है लेकिन अख्ताम से कबल शेख कमाल साहब आपसे कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे, लेकिन उससे कबल मैं यहाँ से आपसे रुख्सत चाहूँगा इस शेर के साथ कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साथ ही मुझे यानी सैयद मोहम्मद उवैस रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हलफ लेने के लिए बुलाया गया और वो यहाँ आएंगे और यहाँ आकर अपनी पूरी बॉडी को जो है वो इस फैसले से
एतमाद में लेंगे और मज़ीद आगाही फराहम करेंगे कि किस तरह आगे मज़ीद प्रोसेस को करना है, आगे किस तरह लेकर चलना है। इस ज़मन में शेख कमाल साहब आपके लिए एक खसूसी शेर है और उस शेर के साथ मैं यहाँ मुल्तमिस आपको करना चाहूँगा कि खिज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, खिज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना बहुत मुश्किल काम है, हवा की जद पर दिया जलाना और जलाए रखना मुसलसल कमाल ये है। और किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के काटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी जमाए रखना कमाल ये है। और यही नहीं हज़ार ताकत हो सौ दलीलें, हज़ार ताकत हो सौ दलीलें, फिर भी लहजे में आजजी से अदब की लज्जत दुआ की खुशबू सजा के रखना कमाल ये है। भरपूर अंदाज में क्लैपिंग कीजिए जनाब शेख कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है क्योंकि इतने सीनियर साहबी हमारे पास मौजूद हैं जो पंजाब से भी हैं और माशाल्लाह से आप लोगों ने देखा आज कराची के जो शहजाद बेमल साहब हमारे पास आए हुए थे और भी बहुत सारे साफ़ी हमारे दरमियान हैं, तो इनके सामने हमारी अल्फाज तो बाकी रहती नहीं है ना कि हम क्या कहेंगे इनके आगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा अपनी बाडी से, ओनली सिर्फ अपनी बाडी से, कि ये जो चीज़ें मिली हैं ये बड़ी मेहनत के बाद मुझे मिली है, ठीक है। और पिछले 8-10 सालों से मैं इस न्यूज़ के अंदर हूँ लेकिन सिर्फ ऑन मोबाइल के अंदर, लेकिन अब उन्होंने मुझे मौका दिया कि इनको उजागर करने का, कि इसको आगे लाने का चैनल्स के अंदर पेपर के अंदर, लेकिन ये कैसे चीज़ें होंगी ये आप लोगों के बदौलत ही होंगी। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मैंने आप पर एतमाद किया, आप बारे बंदों पर। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों ने हलफनामा भी पढ़ा और मेरी कोशिश तो यही है कि इनको किसी शिकायत का मौका ना मिले। आपकी एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी हो सकती है, वो जिसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है। तो मेरी यही बात कहूँगा दोबारा मैं अपने बंदों से कि प्लीज़ इस कार्ड का गलत इस्तेमाल ना करें और जितने भी मेंबर हम लोगों ने कराची से बुलाए हैं वो भी इसका एहतियात करें। किसी किस्म की परेशानी की वजह से आप लोग जनाब इरफान भाई हैं, नुमान भाई हैं, नादिर भाई हैं, ठीक है, मुझसे अपना नंबर रखें, आप उनसे रबते में रहें, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी है उनसे रबता करें, अगर कोई बड़ी परेशानी है फिर हम एहसान मुगल साहब के आगे रखेंगे कि सर ये मसला हमसे हल नहीं हो रहा है, हमें इनको आगे लेके चलना है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को। जितने मेंबर होंगे ये हमारे लिए फ़ायदा है, हम आवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं और आवाम की आवाज़ बनने के लिए हमें एहसान मुगल साहब का साथ देना होगा और उनका साथ देने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वो अखबार छोटा है लोग कहते हैं, वो चैनल छोटा है, लेकिन कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जहाँ से डिक्लेरेशन जब अखबार ने लिए वहीं से विकली लेता है, वहीं से मानामा लेता है, वहीं से आप लोग लेते हैं। सिर्फ वसाइल की बात होती है, कुछ लोगों के पास वसाइल नहीं होते वो काम नहीं कर पाते, कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वसाइल दिए तो वो बड़े खुदा बन के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए अपने से छोटों को। जिस तरह एहसानुल्लाह भाई ने कहा कि ये 6 महीने में आपको साफी बनाएंगे, तो आप लोगों को चाहिए कि इन्होंने आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया, आपको चाहिए कि इसे ज्वाइन करें, आपको चाहिए कि आप इनके साथ जुड़ें, आपको चाहिए कि इनके हाथ मजबूत करें और आएं और आन के साफी बने, यहाँ पे आके इनके साथ आके साफी बने। मैं आप सब साफियों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि काम वो करें जो लोगों के दिल में उतर जाएं, काम वो ना करें जो लोगों के दिल से उतर जाएं। आप जब भी कोई नेक काम करें, मैं अपनी घर से आया हूँ, मैं अपनी तंजीम के नाम के लिए आया हूँ, इनके लिए भी नहीं आया मैं नहीं कहता कि मैं इनके लिए आया हूँ, आया आपके पास ही, लेकिन उसमें मेरी भी गर्ज शामिल है, उसमें मेरा भी मतलब शामिल है। पर हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना मेरा किरदार है उतना ही उस शख्सियत का भी किरदार है, और जब एक लेग पोल इंसाफत में बहुत ज़्यादा होती है तो किसी को आगे नहीं निकलने दिया जाता कि यार नहीं निकलने देना किसी को आगे। उसी वजह से जिन्हें मैंने मायूसी नहीं अपनाई, अल्लाह की रात में यकीन रखा और मैं चलता रहा, चलते चलते कारवां बन गया और उसके बाद आखिर में
मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने सिंध कबीला का प्रेसिडेंट शेख कमाल को मुकर्र किया है और इंशाल्लाह ताला इनके साथ मैं हर तरह का कानूनी और आईनी तावन करूँगा, इन्हें हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करूँगा। इंशाल्लाह ताला आप भी देखेंगे और इंशाल्लाह इनका कराची भी देखेगा। और इसके अलावा ये 12 रुकनी का बीना तो अनाउंस कर चुका था मैं, लेकिन मुझे कराची के लिए भी कोई ऐसी शख्सियत चाहिए थी कि जो कि कराची को सर कवर करे। और वहाँ पे मुझे सजेस्ट किया गया एक नाम जो कि मैंने एक्सेप्ट किया, वो है माशाल्लाह राहुल अफ्तार साहब जो कि CEO हैं ऑन न्यूज़ के। इन्हें मैं कराची का प्रेसिडेंट अनाउंस करता हूँ और इनका नोटिफिकेशन भी मैं लेके आया हूँ, इन्हें नोटिफिकेशन भी आज करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये 12 रुकनी का बीना आज तकरीबन सब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको ये कह देना चाहता हूँ, अगर तो बहादुरी से चलना है तो आज लड़ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ आया हूँ, मेरा और दूसरा कोई मकसद नहीं यहाँ आने का, ना मुझे मकसद दूसरा काम यहाँ आने का।